नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं आईटी हिंदुस्तान। आज के जनसदन का मुद्दा है यातायात के नियम तोड़े तो जेब होगी खाली, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। उमा सिसोदिया जी राजनीति से जुड़ी हुई व्यक्तित्व है और राजनीतिक विश्लेषक भी है। उमा जी आईटी हिंदुस्तान परिवार का स्वागत करता है। पुरुषोत्तम भट्ट जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना परिवार के। पुरुषोत्तम भट्ट जी आईटी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। विपिन गुप्ता जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विपिन गुप्ता जी आईटी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। सबसे पहले उमा सिसोदिया जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। अगर हम बात करते हैं यातायात के नियमों में संशोधन, केंद्र सरकार ने 37 नियमों पर संशोधन किया है जिसको लेके राज्य सरकार ने रविवार से वो नियम लागू कर दिए हैं। अगर हम छोटे बच्चों की व्हीकल चलाने की बात करें, सीट बेल्ट की बात करें, या कोई ड्रिंक एंड ड्राइव पकड़ा जाता है तो सारे नियम बदल गए हैं। कई तरीके के उसमें बदलाव आ गए हैं, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, खासकर देहरादून की हम बात करें, तंग गलियां हैं, यहां नियम बहुत पहले बन जाने चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नियम आए और सख्त नियम है। अगर हम बात करते हैं किसी नाबालिग की गाड़ी चलाता है तो सरकार ने ये नियम लाए हैं कि 25,000 रुपए का जुर्माना होगा, या तो उस व्हीकल जिसका है उसके मालिक पे या पेरेंट्स के ऊपर जुर्माना होगा। और अगर हम बात करते हैं किसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो नेचुरली उसको 1,000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता, दिक्कत करता है, उस पर अलग तरीके का जुर्माना लगाया है। और कोई ट्रैफिक को जाम करता है, जनरली आपने देखा होगा, अगर हम सब्जी मंडी की बात कर ले, अड़ब बाजार की बात कर ले, चक्रतौर रोड की बात कर ले, तो गाड़ी जगह जगह खड़ी कर देते हैं जिससे यातायात बाधित होता है, जिसका पहले 50 रुपए जुर्माना हुआ करता था, अब उसका 1,000 रुपए जुर्माना हो गया। अगर हम बात कर दें आईपीसी की धारा 184 के तहत भी उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर हम आईपीसी की धारा 179 की बात कर रहे हैं, जिसके तहत अगर कोई किसी अधिकारी की बात नहीं सुनता, सबसे पहले उमा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये 37 नियम संशोधन किया है यातायात का, उसमें आप कहां तक सहमत है? देखिए कारा जी, इस समय जो केंद्र सरकार ने जो भी संशोधन किए, मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करती हूँ। और मैं बिल्कुल आपने सही कहा, देर आए दुरुस्त आए, ये संशोधन तो और बहुत साल पहले हो जाने चाहिए थे। आप अगर देहरादून में, इसमें और कहीं की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा है वो वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है, बहुत ज्यादा है। और दुर्घटना करने वाले लोग कौन है? जो रैश ड्राइविंग करने वाले बच्चे हैं, जो किशोर बच्चे हैं, जो बाहर से यहाँ पर जो बच्चे आके यहाँ के विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे रहने वाले नहीं है, जिनके ऊपर माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक नहीं है। इस समय देहरादून एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित है, हजारों यहाँ पर हॉस्टल बन चुके हैं जिसमें आउटसाइडर्स बच्चे लड़के लड़के आकर रहते हैं और वो बहुत ही पूरी रैश ड्राइविंग यहाँ पर करते हैं। तो मैं पूरी तरह से सरकार के साथ इसमें मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नियम इसमें बनाया है। और इसमें जो सबसे अच्छा नियम मुझे लगा कि अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपके स्कूटर से किसी से भी कोई बच्चा एक्सीडेंट करता है या वो पकड़ा जाता है तो उसको 25,000 रुपए जुर्माना उस मोटर चालक जो व्हीकल का जो मालिक है उसको देना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार की ओर से है। अभी तक क्या होता है कि बच्चे अपने थोड़ी देर के लिए यहाँ जाना, आप मेरा स्कूटर दे दीजिए, माँ सोचती है ठीक है बच्चा थोड़ी देर के लिए, उसको क्या पता चला बच्चा 10 किलोमीटर की दूरी तय। आपको देहरादून के रहने वाले आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ की तंग गलियों में कितनी तेज ड्राइविंग बच्चे करते हैं, हेलमेट 3-3, 4-4 बच्चे बैठे होते हैं। उस समय हम जैसी महिलाएं या बुजुर्ग या दूसरे लोग जो बड़ी सेंसिबल ड्राइविंग कर रहे हैं, जो बड़ी सेंसिबली अपना स्कूटर या अपनी कार चला रहे हैं, उस समय हम बिल्कुल मतलब अपने आप को घबराया महसूस करते हैं। हमारे बिल्कुल साइड से 5 या 6 इंच बच्चे ऐसे ऐसे करके रैश ड्राइविंग करते हुए निकल जाते हैं। उस समय सिर्फ हमें मेरे खासतौर पर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ईश्वर इस बच्चे की रक्षा करना, क्योंकि ये भी किसी के घर का लाल है। देखिए मुझे गुस्सा उन माँ बाप पे आते हैं जो अपने बच्चों को इतनी महंगी बाइक्स उनके हाथ में पकड़ाते हैं, 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चों की, और उसके बाद उनका कहना ये होता है कि हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं। मैं अपनी बात करूँ, मेरी बेटी लगभग 17 साल की है, उसके साथ के सारे बच्चे स्कूटर चलाते हैं, सारे लड़कियां मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली उसके हाथ में अपने स्कूटर या मोटर कार की चाबी देने से इनकार किया हुआ है। इस बात को लेकर मेरे से नाराज रहती है तो होते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों के सामने उनकी रक्षा को लेकर नहीं झुक सकते। अगर इतना ही कड़ा फैसला सब माँ बाप ले लेते हैं कि अपने बच्चों के सामने उनकी जायज नाजायज मांगों के सामने झुकना बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि इस नियम और इस कानून की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे लिए हमारे बच्चे मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम उनके हाथ में मोटरसाइकिल दे रहे हैं या कार दे रहे हैं तो हम बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हम उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा उमा जी आपने। पुरुषोत्तम भट्ट जी आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। अगर हम बात करते हैं कि मोटरसाइकिल में बच्चे कार का हॉर्न लगा देते हैं,
कई बार वो गली से निकलते हैं, वो उस हॉर्न की साउंड इतनी तेज होती है कि बुजुर्ग लोग कई बार घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। अगर आपके संगठन की बात करते हैं, उस संगठन ने रस्तों में आके, सड़कों में आके ट्रैफिक कंट्रोल भी किया है, शराब हटाने के खिलाफ आप लोगों ने काम किया है। हालांकि सरकार ने एक नियम और लाया है कि अगर कोई ड्रिंक करते हुए पाया गया और गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसको 6 महीने की सजा होगी। ये सरकार ने जो नियम बनाए हैं ट्रैफिक के ऊपर, खासकर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जिनकी अंडर एज है, बिना लाइसेंस के गाड़ी उड़ाते हैं, चाहे वो स्कूल के बाहर गाड़ी खड़ी कर देते हो, क्योंकि सरकार ने एक नियम ये भी बनाया कि कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर 2-व्हीलर लेके नहीं आएगा। स्कूल वालों ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लेकिन बच्चे आज तक इतने चालाक हैं कि स्कूल के बाहर पार्किंग कर देते हैं। चाहे हम किसी भी बड़े बड़े स्कूल की बात करें, सुबह आप जाके देखिए हमें स्कूटी या मोटरसाइकिल की लाइन लगी रहती है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जो स्कूलों के बाहर अवैध रूप से इतने सारे व्हीकल खड़े होते हैं, उसमें आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। देखिए कार्य, नियम और कानून जो भी सरकार बनाती है वो जनता के हितों के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या हो या सड़क दुर्घटना, आप आंकड़े उठा लें तो बहुत ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती है, जिसमें कई गलतियां जो है जनता की तरफ से होती है और सरकार की तरफ से भी, मैं इसमें मानता हूँ। लेकिन सबसे पहले नियम कानून बनाने से पहले सरकार को चाहिए कि एक जन जागरूक ड्राइव चलाए, जैसे स्कूलों के बाहर जगह जगह पोस्टर और ये सब लगने चाहिए, बैनर्स लगने चाहिए, सरकार अपने उसमें जगह जगह ये लगाए कि भाई ये नियम लागू हो चुके हैं, अखबारों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, मतलब जनता को इतना जागरूक कर दिया जाए कि प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर गलती करेगा और कहाँ पर वो फंसेगा। देखिए मैं बताऊँ, जैसे काली पट्टी के वो हुए थे, जब लोग अपने शीशों में काली पट्टियां लगा देते थे, फिल्म चर्चा आ देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो नियम निकाला। उसके बाद आज की डेट में कहीं पे भी नियम, मैं तो कह रहा हूँ सारे नियम जो जनता के हितों में नहीं, सरकार बनाती है और सरकार के हमें इस बात में तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर मान लिया कोई अधिकारी हुआ या नेता हुआ, तो नियम जो है सबके लिए बराबर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नियम तो लग गए, सड़कें भी आप उसी तरह बनाइए। अगर कोई किसी सड़क में कोई तो दुर्घटना हो जाती है तो क्या उसके लिए भी नियम बनने चाहिए? या कहते हैं कहीं पे, मतलब मैं कह रहा हूँ नियम जो है अच्छे होने चाहिए, और सबसे पहले इसमें जनता को जागरूक करनी चाहिए, पुलिस वालों को इस पर ड्राइव चलानी चाहिए, सीधे चालान या सीधे वो ना करें, पहले एक सप्ताह जो है जनता को मौका दें, रोके, उनको समझाएं कि भैया अगर अगली बार से तो तुम लोग आए तो कहते हैं इस तरह से चालान देगा, सीधे अगर किसी के चालान होने से शुरू हो गए, इसका दुरुपयोग कर कुछ किया गया तो जनता में कहने का आक्रोश की स्थिति ना हो। विपिन गुप्ता जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून की बारीकियों को आप समझते हैं, आईपीसी की क्या धारा लगनी चाहिए वो आप समझते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे गाड़ी चला लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। माना किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी का एक्सीडेंट जाने अनजाने में हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो शायद जो मेरी जानकारी कहते हैं डायरेक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसके ऊपर बनता है। अगर लाइसेंस है तो वो बच सकता है, उसमें शायद धारा 304(b) शायद उसमें लग सकती है कि एक अनजाने में ऐसी दुर्घटना हो गई। अगर हम बात करते हैं कि बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, तो पहले जुर्माना 100 रुपए होता था, 1,000 रुपए हो गया। एम्बुलेंस को अगर आप जगह नहीं देते, सीधा सीधा 10,000 रुपए जुर्माना हो गया। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करेगी सरकार? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं काला जी, हमारे यहाँ होता क्या है, हम लोग पिछले काफी समय से, कई वर्षों से हम देख रहे हैं, नए नए कानून आते हैं, बहुत अप्रिशिएट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो हमारे समाज में, हमारे न्यायालयों में सब जगह देखने को मिलती है, वो है, एक तो है कानून का बनना, एक पार्ट संसद में कानून पारित हो गया, दूसरा है कानून का लागू करना, लागू कर दिया, तीसरा है उसका इम्प्लीमेंटेशन। कानून का बनना, लागू होना अलग बात है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना एक अलग बात है। हमारे यहाँ कानून बना दिए जाते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता। अब अगर हम एमबी एक्ट की बात ले लें, बहुत अच्छी बात है कि जुर्माने को मैं धनराशि पे नहीं जाऊंगा या उन धाराओं पे नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा 2 गुने से 10 गुने तक चालान की धनराशि बढ़ाई गई, बहुत अच्छी बात है। एक जब आर्थिक बोझ पड़ेगा तो लोग शायद इस चीज को समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ काला जी हिंदुस्तान में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ डर मौत से नहीं लगता, डर फाइनेंशियल नुकसान से लगता है, डर हमारे यहाँ अपनी जान जाने से नहीं लगता, डर इस बात से लगता है कि अगले चौराहे पर अगर पुलिस वाला खड़ा है तो हमारा चालान काट देगा, हमें 200-400-500 रुपए का नुकसान हो जाएगा।
तो सबसे बड़ी बात जो काला जी मुझे लगती है, मैं कानून की एक्ट की संशोधन की बात को एक तरफ रखते हुए आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। अगर आप किसी कानून के बारे में निचले स्तर से और अंत तक अगर आप उसकी अवेयरनेस नहीं पहुंचा सकते, आप जनता को जागरूक नहीं कर सकते, खाली भय दिखाकर कुछ नहीं होने वाला। आप पिछले समय में रेप के कानून को ले लें, मृत्यु दंड तक का प्रावधान हो गया, क्या बलात्कार के मुकदमों में कमी आई? नहीं आई। रोज हर राज्य में, छोटे जिलों में, बड़े शहरों में बलात्कार की घटनाएं हो रही है। मृत्यु से बड़ा भय तो किसी चीज का नहीं होता। अगर हम इन चालान की बात करें, अभी काला जी आपने छोटी सी बात कही कि एम्बुलेंस को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 रुपए पेनल्टी है। मैं कहता हूं कि आप जिन देश के कानून को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जहां देख रहे हैं कि वहां धनराशि ज्यादा है, वहां यातायात को सुचारू करने के लिए सड़कों की व्यवस्था उस तरह की है, वहां एम्बुलेंस के लिए या जो बहुत महत्वपूर्ण वाहन है उनके लिए अलग से एक लेन बनाई गई है, वहां उस लेन पे अगर कोई करता है तो समझ आता है। यहाँ तो काला जी अगर आप सड़क पर निकल जाएं तो एक एक किलोमीटर के जाम होते हैं। क्या एम्बुलेंस की सबसे आगे जो गाड़ी चल रही है वो 10,000 का पेनल्टी देगी, या उसके आगे जो 10 गाड़ियां चल रही है वो देगी, या जो सबसे लास्ट में गाड़ी है वो देगी? इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा कि एम्बुलेंस को किसने रोका और 10,000 का मुआवजे की बात है? तो काला जी इस चीज को सोचना पड़ेगा, क्या आप पे पर्याप्त पुलिस बल है जो इन चीजों को देखे? काला जी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि चालान हमारे यहाँ कटते हैं चक्रोता रोड, घंटाघर, पल्टन बाजार और आपका और जो मार्केट है जहां आप 20 से 30 की स्पीड पर भी वाहन नहीं चला सकते। ले देकर एक राजपुर रोड पर आप कह सकते हैं कि आप 40 की स्पीड पर वाहन चला सकते हैं, वहां हेलमेट के चालान कटते हैं। आप यहां से हरिद्वार जा रहे हैं, आप यहां से विकासनगर जा रहे हैं, आप किसी हाईवे पे आप जा रहे हैं जहां वास्तव में सीट बेल्ट और हेलमेट की जरूरत है, वहां रस्ते में कोई पुलिस वाला नहीं होता, कोई चेकिंग वाला नहीं होता, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं वहां होती है, सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान वहां होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही विपिन गुप्ता जी आपने। उमा जी आपके पास मैं आना चाहूंगा कि विपिन गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर एम्बुलेंस जाम में फंसती है तो उसका जुर्माना कौन देगा, जो पहली गाड़ी है उसके बाद है या आगे 10 गाड़ी खड़ी हुई है? ये भी एक सरकार को सोचने का विषय है। अगर हम दूसरी चीज देखें कि ओवरलोडिंग पे गवर्नमेंट ने 2,000 की जगह 20,000 कर दिया, ये सीधा सीधा 10 गुना बढ़ा दिया। ओवरलोडिंग की हम बात करते हैं, देखिए ओवरलोडिंग की चपेट में कौन आता है? गरीब व्यक्ति आता है, जिसके पास टेम्पो ट्रेवलर है या छोटी छोटी गाड़ियां हैं या ठेली है, वो 20,000 रुपए, देखिए 10 गुना बढ़ाना मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे ऑब्जर्व लगती है कि इसको ऑब्जर्व करें या इसको परिभाषित करें तो सीधा सीधा 10 गुना बढ़ाना 2,000 का 20,000 बहुत बड़ी बात हो जाती है। माना वो 2,000 का सामान ले जा रहा है, जुर्माना पहले 2,000 था, सीधा 20,000 हो गया, तो 20,000 जुर्माना कौन देगा? वो दुकान वाला देगा कि वो गाड़ी वाला देगा या जो मालिक अपने यहाँ सामान मंगा रहा वो देगा? आपसे मैं इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मेरे विपिन गुप्ता भाई जी ने जो ये बोला है कि एम्बुलेंस वाली बात, मैं उनके उदाहरण से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत बड़ा क्योस यहाँ पर इस समय होने वाला है, लेकिन मैं इस बारे में मैं हमेशा जानती हूँ हमारे देश में बहुत सारे कानून बनते हैं, वो लागू कर दिए जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी किसी एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर किसी को कोई जुर्माना लगेगा, तो इस मामले में तो मैं पूरी तरह खुल हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में हमारे यहाँ पुलिस बल की संख्या देखिए ना। मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था कि मैं एक बार एक चौराहे पर थी, एक लड़का बहुत ज्यादा होकिंग कर रहा था, मेरे सामने वो रेड लाइट क्रॉस करके चला गया। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि आपने इसको रोका क्यों नहीं, आपने इसका नंबर क्यों नहीं नोट किया? उसने कहा मैम मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, इतना सारा मेरे को ट्रैफिक संभालने में अगर एक एक के पीछे दौड़ता रहूंगा तो फिर मैं ट्रैफिक कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। तो ये स्थिति इस समय हमारे देश की और हमारे हर शहर की है। हमारे पास पुलिस बल उस संख्या में नहीं है जिस संख्या में आपने ये कानून बना के, बिल्कुल सही बात है, आपने विदेशी देशों के, यूरोप के, अमेरिका के, इंग्लैंड के कानून आपने हमारे यहाँ लागू कर दिए, लेकिन उस तरह के सीसीटीवी कैमरे क्या यहाँ पर लगे हुए हैं? क्या उतना अच्छा पुलिस कंट्रोल रूम आपने पहले बना लिया? उतने हर पुलिस बूथ पे, हर चौराहे पे, वहाँ पे कंप्यूटर लेकर वहाँ पे अच्छे लड़के बैठे हुए हैं जो एक एक के ऊपर नजर रख रहे हैं कि किसने रेड लाइट तोड़ी है, किसने स्पीड आगे मतलब स्पीड किसी ने ज्यादा की है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये कानून, ये हास्यास्पद कानून के सिवा कुछ भी नहीं रहने वाला है। अभी मुश्किल से 2 या 3 महीने पहले भी ये कानून बना था कि जो पीछे जो टू व्हीलर पे जो पीछे बैठा होगा उसको हेलमेट लगाना पड़ेगा। कितने दिनों आप वो कानून को इम्प्लीमेंट कर पाए? मुश्किल से 2 या 3 दिन पुलिस ने काफी
मुस्तैदी दिखाई सड़क पे, चालान भी काटे, अखबार में भी आया कि इतना इतना पैसा चालान के थ्रू इकट्ठा हुआ, उसके बाद वो खत्म। आज भी आप देखिए जाके मतलब पीछे की सीट पे जो भी बैठे होते हैं वो कोई हेलमेट नहीं लगाता। पुरुषोत्तम भट्ट जी, उमा जी आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को परिभाषित किया है। पुरुषोत्तम भट्ट जी आपके पास मैं आना चाहूंगा कि इसमें देखिए दो पहलू हैं। अगर 37 नियम को हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो उसमें पहली चीज तो है कि बिना आरसी के अगर कोई वाहन चलाएगा तो उसका 5,000 जुर्माना उस पर लगेगा। पहले भी ये था, अभी भी ये है। अगर दूसरा पहलू हम देखें कि बिना अनुमति के वाहन को चलाना सीधा 10,000 रुपए पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अनुमति किस से ली जाए, किस चीज के लिए ली जाए कि बिना अनुमति के अगर वाहन चलाते हैं तो 10,000 रुपए का आपको जुर्माना लग जाएगा। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि देखिए आदमी जो गाड़ी चलाता है वो भी अपना दिमाग रखता है, वो इससे बेहतर ये कहे कि भाई मेरे पास तो आरसी है ही नहीं, जब जुर्माना भरना ही है तो 10,000 क्यों भरे, वो फिर तो सीधा 5,000 रुपए जुर्माना भरेगा, कहते हैं मैं तो आरसी लाया नहीं हूं। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा कि ये थोड़ा किस तरीके से इसको हम समझ पाएंगे। जो आदमी शिक्षा विदेश से लेता है, हमारे देश में जितने भी मंत्री हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के कहाँ कर ले जाते हैं, विदेशों में। यहाँ की परियोजना भी विदेश में, भाई विदेशों में तो सब लोग डेवलप लोग हैं, यहाँ तो गरीब 137 करोड़ लोग, अगर 126 करोड़ या 130 करोड़ लोग हैं उसमें 80 करोड़ लोग तो बेचारे इतने गरीब हैं, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति को कहीं जाना है, मतलब इमरजेंसी में जाना है, गरीब आदमी को जाना है, अगर उसने किसी से लिफ्ट ले लिया मान लिया, और मानवता के नाता आदमी हिंदुस्तान तो बहुत मानवीय गुण वाला देश है, अगर उसने बेचारे ने किसी की मानवता है या कोई लेडीज है जो बेचारी बहुत परेशान है और वो सड़क में मतलब बेसुध बनी सकती है, उसके बाद टेम्पो का किराया तक नहीं है, अगर टेम्पो की स्थिति नहीं है और किसी ने उसको लिफ्ट दे दी मान लिया और वो आगे चला गया, आगे पुलिस वाला उसकी मानवीय गुणों को नहीं वो करेगा कि हाँ इसने अच्छा काम किया। आप देखिए जिस तरह से ये ब्लैक कमांडो खड़े हैं, इनको तो देख के बच्चा आदमी डर जाए, और फिर इनका जो बिहेव है, आपने तो कानून बना दिया क्योंकि आप तो भारत से सिक्का है, आप तो एक बात, आप तो अमेरिका घूम के आ रहे हैं, आप तो जगह जगह आप लोग घूम के आ गए, वहाँ के आपने उनसे वो चीज नहीं ली कि अच्छी सड़कें होनी चाहिए, पुलिस का जो बिहेव होना चाहिए वो जनता के साथ किस तरीके का होना चाहिए वो नहीं देखा, आपने तो कानून लागू कर दिया, कानून लागू किसके लिए करा आप लोगों ने, सिर्फ आप बताइए। जब ये VIP कल्चर यहाँ पर रहता है, अगर मुख्यमंत्री की फ्लीट जा रही है और अगर एम्बुलेंस फंसी जाती है 3 गाड़ियों के पीछे है तो वहां पर जैसे सड़क जाम हो जाती है तो क्या इनपे जुर्माना लगेगा? अब ये बताइए मुख्यमंत्री पे जुर्माना लगेगा क्या? उसने एम्बुलेंस क्यों रुकी? क्योंकि आधा आधा घंटा लग जाता है, या कोई आपका किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आया तो आप आधा आधा घंटा पहले रोक देते हैं, तो कानून क्या है ऊपर से अगर शुरू हो तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि जब राजाओं पे उस कानून का पालन करें, आम जनता तो बेचारे, आम जनता पे तो आप पूरा लाद दो, टैक्स दे दो, उनपे सब कुछ कर दो, और आम जनता क्या है, आम जनता तो निरी है, शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए उत्तराखंड क्या है, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आम जनता जब पढ़ी लिखी ही नहीं है ना, उनको कानून के बेचारे कचहरे भी जाते हैं अपना चालान छुड़ाने, उनको रास्ते नहीं पता तो उनको वही करना पड़ता है, जिसमें चिंता बता दी होता है आप 2,000 लगेंगे, अभी आप तो 25,000 हो गए, तो मुझे तो लगता है वैसे कर्जे में लोग डूबे पड़े हैं, और आप अगर किसी गरीब आदमी का अगर 25,000 चालान हो गया तो उसको तो इतना भय दिखा दिया जाएगा पुलिस प्रशासन की ओर से और कहते हैं कानून की वजह से उसको भयता भय देगा, भाई 25,000 तो तुम्हें जुर्माना देना देना है प्लस जो है इतने पैसे और एक्स्ट्रा लगेंगे जो चलता रहता, तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं अराजक स्थिति है। विपिन गुप्ता जी, अगर हम कानून की बात करते हैं क्योंकि कानून की बहुत अच्छी समझ आप रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने कानून को पढ़ा भी है, जाना है, समझा है। एक 37 संशोधन में ये भी है कि कोई वाहन अगर खड़ा है उसमें कोई छेड़खानी करता है तो 100 रुपए की जगह सीधा 1,000 रुपए लगेगा, ये भी 10 गुना बढ़ा दिया गया है। इसका देखिए यूज और मिसयूज दोनों हो सकता है, मिसयूज तो यह है कि कोई भी क्लेम कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बार बार ये आ रही है कि उसका विटनेस कौन रहेगा, उसको ऑब्जर्व कौन करेगा, क्योंकि इसमें तो जो पावरफुल आदमी होगा वो अपना बेनिफिट ले जाएगा, वो 10 विटनेस खड़ा कर देगा हमारा उसकी गलती है या नहीं, फॉल्ट है या नहीं है। चलिए एक दूसरा अगर पहलू देखें कि 2 पहिया वाहन पे 2 से ज्यादा अधिक व्यक्ति अगर बैठते हैं तो उसका 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए 10 गुना चालान काटा जाएगा, वो एक्सेप्टेबल है चलिए क्योंकि उसको तो कहीं ना कहीं विटनेस मिल जाएंगे, या जैसा कि हम IT हिंदुस्तान की स्क्रीन में देख रहे हैं कि हर लोग चेक कर रहे हैं उसका हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन खड़े वाहन पे छेड़खानी करने पे 100 की जगह 1,000 रुपए, तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। जी काला जी, ये नया एक प्रावधान इसमें किया है। अब इसमें भी 2 चीजें आती हैं काला जी, एक तो ये कि वाहन की छेड़खानी को उन्होंने क्या परिभाषित किया है,
देखिए हमारे यहाँ आईपीसी में सेक्शन 427 है, अगर आप किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो वैसे भी अपराध है। किस हद तक आपने नुकसान पहुंचाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब खड़े वाहन में छेड़ाखानी करना, उसको देखना पड़ेगा उन्होंने क्या परिभाषित किया है। और अगर उसमें पेनल्टी 1000 रुपए, पेनल्टी 1000 है, अगर किसी ने नुकसान ही 5000 का कर दिया तो उस पेनल्टी का क्या होगा 1000 का। तो अभी संशोधन जरूर हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, लेकिन इनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, इन पे निगरानी रखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है काला जी कि कुछ समय पश्चात इसमें सरकार को कुछ और संशोधन प्रभावी रूप से करने पड़ेंगे, इसमें परिवर्तन संशोधन और करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में अभी संपूर्ण नहीं है। ये एक तरह से अभी देख रही है सरकार कि इसके क्या परिणाम होंगे। जैसे हमारे यहाँ रेरा का कानून आया, महिलाओं के कानून आए, 3 तलाक पे हुआ, अध्यादेश आए हैं, जल्दबाजी में किसी कानून को लागू करना और उसको एक इम्प्लीमेंटेशन उसका कराना, अच्छे से उसका लोगों को जागरूक करना और कंफर्ट जोन में रख करके उसको करना, वो शायद अभी नहीं है। उसके लिए बहुत सारे प्रयासों की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां किशो वाली बात आई कि वाहन चलाने को लेकर या शराब पीकर चलाने को लेकर या एम्बुलेंस को रास्ता देने को लेकर 10,000 की पेनल्टी से एम्बुलेंस को रास्ता शायद एक बार को लोग ना दें, या आप एक प्रश्न ये खड़ा होगा कि किसके ऊपर वो पेनल्टी लगे। लेकिन अगर हम जागरूक हो जाए, हम अपने अंदर ये ठान लें कि जैसे ही हम अपने साथ पार पीछे एम्बुलेंस देखेंगे हम तुरंत अपने वाहन को साइड करके उसे रास्ता देंगे। स्कूलों में हमारे यहाँ 18 साल की आयु के बाद वाहन चलाने की अनुमति है कानून में, लाइसेंस तभी बनता है, लेकिन आज की डेट में 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल के किशोर जो है वो वाहन चला रहे हैं, रशियन नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं। मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से काला जी कि इस समय समय आ गया है संशोधन के साथ साथ स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम में बेसिक लॉ, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित है, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है या किशोरावस्था में जो होने वाले अपराध है उससे संबंधित है, एक बेसिक जो कानून है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें बताया जाए कि मोटर वाहन अधिनियम में बेटा अगर आप ऐसे वाहन चलाते हो तो ये जुर्माना है, अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हो तो ये जुर्माना है, अगर आप अंडर एज आप वाहन चला रहे हो तो आपके पापा या माता पिताजी को इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा। आप सोचिए 25,000 का वाहन स्वामी या माता पिता को जहाँ आर्थिक बोझ पड़ेगा और आप 50,000 में एक नई गाड़ी ले आते हैं। आप सोचिए कि अगर किसी पेरेंट्स ने जो मध्यम वर्ग है जिसने जैसे तैसे अपनी कमाई जोड़ करके एक 2-व्हीलर खरीदा और उसका कोई बच्चा 2 बार भी अगर अंडर एज वाहन ले जाए या माँ बाप को बगैर बताए वो चुपके से चाबी उठाकर चला जाए, उन माँ बाप की स्थिति क्या होगी, उस मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति क्या होगी जिसने महीनों की खून पसीने की कमाई जोड़ करके 2-व्हीलर खरीदा, जैसे तैसे उसने 2-व्हीलर खरीदा और 2 बार में उसका बच्चा 2 बार वो गलती कर दे, 50,000 रुपए का जुर्माना उसको देना पड़े, तो इसमें सोचने विषय का है। बिल्कुल उमा जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं कि अगर 37 संशोधन में एक संशोधन की हम और बात कर लें कि जानकारी ना देने पे 500 रुपए की जगह सीधा 2000 को उन्होंने कर दिया, ये जानकारी थोड़ा हम समझना चाहेंगे। हालांकि जितने भी कानून सरकार लाई है बहुत बेहतर लाई है, लोगों के लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है, खासकर छोटे बच्चों के लिए बेहतर है जो बिना हेलमेट के अंडर एज होने के बावजूद बिना लाइसेंस की गाड़ी दौड़ाते रहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन इस चीज को थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जानकारी ना देने पर, देखिए जानकारी तो जो समझ में आता है कि आरसी के अंदर सारी होती है, एक तो पहली किस चीज की जानकारी है नंबर एक, नंबर दो गाड़ी को ओवर स्पीड में भगाना या कंपटीशन की भावना से भगाना, पहले 500 रुपए होता था, उन्होंने कहा है कि पहली बार अगर आप पकड़े गए तो 5,000 और दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000, तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा कि वो व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा गया या पहली बार पकड़ा गया, ये कैसे माना कोई व्यक्ति आज पकड़ा गया आज के बाद सीधा 3 महीने बाद पकड़ा जाता है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे या उसको पहचान कैसे कर पाएंगे। जी, इस बारे में तो मैंने अभी पहले बोला था आपको कि क्या हमारे पास उतना पुलिस बल या उतने कंप्यूटर सिस्टम या उतने सीसीटीवी कैमरे सरकार सड़कों पर लगा चुकी है। जो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछने की बजाय आप गवर्नमेंट से पूछे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये कानून भी उसी तरह से लागू कर दिया गया है बिना किसी पूर्व तैयारी के। आप समझ रहे, बिना कोई तैयारी नहीं है, सीधा उन्होंने ठीक है 1 तारीख से सारे कानून लागू होने हैं, ये कानून लागू होने हैं, बस लागू कर दिए हैं, उस पर हम 2-4 दिन डिपेंड करेंगे, 2-4 दिन पुलिस बल आपको मुस्तैद दिखाई देगा सड़कों पे, और उसके बाद इस कानून की इस जो ये कानून नया बना है इसका हश्र भी वही होगा, जैसे मेरे भाई अभी वरिष्ठ जी बोल रहे हैं वही इस कानून का भी हश्र होने वाला है। कानून आप बनाते हैं, बहुत अच्छे कानून बनाते हैं, किताबों में बनाते हैं, उसके बाद उसको लागू भी कर देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड स्तर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है
वाला, इसको देखने वाला, समझने वाला हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि भ्रष्टाचार हमारे लोगों में इतना बुरी तरह घुस चुका है कि हम सिर्फ दिखाने के लिए ही कानून बनाते हैं। हम नहीं चाह रहे कि वो कानून वाकई में ग्राउंड पे आकर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। रही बात ये 25,000 में जो छोटे बच्चों के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, मुझे लगता है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे रिश्वत को बढ़ावा मिलेगा कि भाई एक काम करो, 25,000 रहना तो एक काम करो, छोटे मोटे में चैनल में आप 5 आप जगह करा देते हैं। ये सब हमको देखने के लिए मिलने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग खुद इस भ्रष्टाचार के बहुत आदि हो चुके हैं और हमारा जो पुलिस बल है या जो हमारे दूसरे सरकारी सेवाएं हैं वो भी इस भ्रष्टाचार की बहुत आदि हो चुकी है। मेरा कहना है इस चैनल पे बैठ के कड़वा जरूर लगता है लेकिन मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। 25,000 रुपए देने के बजाय माँ बाप बार्गेनिंग करेंगे, माँ बाप ब्राइब करेंगे, माँ बाप रिश्वत देने की कोशिश करेंगे, 25,000 रुपए ना देने पड़े, 5,000 या 10,000 रुपए में काम चल जाए। और आप देखिएगा कि इस तरह के बहुत सारे केसेस आपके सामने भी आने वाले हैं। तो इस तरह जो ये कानून बना है, मैं बहुत इसमें हास्यास्पद तो है ये हमारे लिए कि बिना पुलिस बल के, बिना सीसीटीवी कैमरे के, बिना अपनी अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाए हुए सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया और ये हम लोग आशा कर रहे हैं कि हम कुछ दिनों में यहाँ अमेरिका यूरोप वाली स्थिति रहने वाले हैं। पुरुषोत्तम भट्ट जी, जिस तरीके से अभी हमारी प्रखर प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी ने कहा है, तो हमारा मानना है कि देखिए बिना होमवर्क के तो सरकार कोई नियम ला नहीं सकती, कोई संशोधन कर नहीं सकती। नेचुरली होमवर्क क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि बिना हेलमेट पहने पहले 100 रुपए का जुर्माना लगता था, तो सीधा 1,000 रुपए हो गया, क्योंकि बच्चे या कोई भी व्यक्ति जब एक गाड़ी चलाता था वो सोचता था कि ठीक है चलो हेलमेट भूल गए कोई बात नहीं, 100 रुपए मेंटली प्रिपेयर होकर चलता था कि अगर हम पकड़ में आएंगे तो 100 रुपए दे देंगे तुरंत छूट जाएंगे। लेकिन अब 1,000 रुपए देना उनको भारी पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ तो सरकार की बहुत एक अच्छी पहल है कि कम से कम आदमी 1,000 रुपए खर्च करने से अच्छा घर से एक हेलमेट लेके जाएगा, उसकी भी सुरक्षा होगी, उसके परिवार की भी सुरक्षा होगी। इसको कहां तक आप उचित मानते हैं? कारण जी, मैं किसी भी कानून का वो नहीं कर रहा हूँ कि कहते हैं चाहे वो सरकार ने सारे कानून अच्छा हो, लेकिन जो उनको लागू करेंगे, जैसे स्पीड गन है, आप कह रहे हो रैश ड्राइविंग हो रही, वो ओवर स्पीड चल रहा है, जो इनके वाहन होते हैं वो स्पीड, आप कभी सोशल साइट में जाइएगा तो पता चला कि वो तो बेचारा अपने नॉर्मल स्पीड से चल रहा था और उसको दिखा दिया गया कि आप तो ओवर स्पीड चल रहे थे, आप चाहे चालान करिए या आप वो करिए। तो कानून इनके लिए होना चाहिए, जो सीपीयू कर्मचारी हैं या जो ट्रैफिक वाले लोग हैं, अगर ये जैसे कहते हैं ना कानून के हमारे भाई बैठे हैं विपिन गुप्ता जी, इनको कानून की पूरी जानकारी है और ये अगर कानून का अगर दुरुपयोग करते हैं या कानून तोड़ते हैं, इनपे ज्यादा कानून प्रभावित तरीके से लगता है क्योंकि इनको नॉलेज है। ऐसे ही जितने पुलिस अधिकारी हैं ये वो जो है आम जनता को तो नॉलेज होती नहीं है ना, क्योंकि आम जनता तो इन कानून वगैरह आप जैसे मान जाइए कि ओवर स्पीड है, अब उसे क्या पता कि स्पीड लिमिट क्या, इस सड़क में स्पीड लिमिट आपकी कितनी है, ये उसके लिए अगर उन्हें रोक दिया गया उसको कि भाई आप ओवर स्पीड चल रहे थे, उसने कहा दिखाइए भाई वो मेरी वो कहने नहीं और आप चला कर दिए, क्योंकि मिसबिहेव जो कई बार क्या होता है जनता के साथ बहुत मिसबिहेव भी होता है। और मैं देख रहा हूँ आने वाले कल में बहुत अराजक स्थितियां आएंगी। ठीक है सारे कानून अच्छे हैं, बच्चों को गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए, उसके लिए जागरूक करना चाहिए, हेलमेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि जान के खतरे होते हैं और ओवरलोडिंग भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि सरिया वगैरह जिस तरह से भार होते हैं, मतलब कई चीजें हैं जिसके लिए बहुत अच्छा नियम लिया गया है और हम इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए भी कानून बनने चाहिए कि जो कानून के जानकार लोग हैं या जो कानून के रक्षक हैं अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो उनपे 10 गुना ज्यादा पेनल्टी देनी चाहिए। विपिन गुप्ता जी, अगर हम बात करते हैं कि रेड लाइट पे जब कोई जंप करता है तो उसपे सीधा सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना लगता है, कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं खासकर युवा पीढ़ी के जो लोग होते हैं वो रेड लाइट जंप करते हैं हाथ में नहीं आते, उसका कारण ये कई बार वहां चीता पुलिस है ठीक है वो भी भागते हैं उनको पकड़ लेते हैं कई बार, पर अधिकतर चौराहे पे आप देखेंगे कोई ऐसी व्यवस्था बहरहाल नहीं है कि जिसने बहुत तेजी से गाड़ी निकाल दी और उसको पकड़ा जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए। और इसमें दूसरा पहलू भी अगर हम देखें कि जैसे अभी प्रखर वक्ता पुरुषोत्तम भट्ट जी कह रहे थे कि अगर एक कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाता है तो सीधा सीधा उनके पेरेंट्स के ऊपर 25,000 का जुर्माना है, तो वो तो जुर्माना पेरेंट्स के लिए हो गया, शरारत बच्चा करता है जुर्माना पेरेंट्स को भरना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स की गलती होती है कि बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानो उस बच्चे के माता पिता दोनों वर्किंग में है, गलती से वो गाड़ी की चाबी घर में भूल गए, बच्चा स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके सड़क में आ गया, तो इसके लिए क्या और संशोधन होने की संभावना इसमें रखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगा। जी काला जी, बिल्कुल संशोधन की गुंजाइश है क्योंकि ये मामले इस तरह से जुड़े हुए हैं कि किशोर जिसको हमारे यहाँ आईपीसी में भी एज लिमिट तक उनके द्वारा किए गए किसी अपराध को अपराध नहीं माना जाता, 12 वर्ष की आयु है, 16 वर्ष की आयु है, आजकल वो जनरेशन नहीं है
जब बच्चा हाई स्कूल में होता था तब वो साइकिल चलाना सीखता था या अपनी ग्रेजुएशन तक साइकिल पर जाता था, कॉलेज स्कूल कॉलेज तक चला जाता था। आज की डेट में बच्चा जहाँ 12-13 साल का होता है वो सोचता है मैं कार भी चला, टू व्हीलर तो बहुत छोटी बात है। और हर समय पेरेंट्स जैसे आप कह रहे हैं वर्किंग है, निगरानी नहीं रख सकते। तो जो संशोधन की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में एक बार वार्निंग का भी प्रावधान होना चाहिए, सीधा पहली बार में 25,000 के जुर्माने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्योंकि गलती पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स नहीं ऐसा करेंगे कि वो अपने अंडर एज बच्चे को जो वैधानिक रूप से वाहन चलाने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा माँ बाप उसको वाहन चलाने के लिए नहीं देगा। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि वर्किंग है और बच्चा पीछे से ले जाता है, और आप सोचिए कि यूजुअली दोपहिया वाहन की मैं अगर बात करूं तो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय ही लोग होते हैं जिनके पास ज्यादातर दोपहिया वाहन का प्रयोग होता है, या रिच फैमिली में भी है तो वहां बच्चे दोपहिया वाहन का ही प्रयोग शुरू में करते हैं स्टार्टिंग में। अल्टीमेटली ये जो 25,000 रुपए वाली बात है, जहां तक मुझे लगता है तो ये अधिकतम है, जब ये जाएगा तो जरूरी नहीं कि 25,000 वो कम भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखने की जरूरत है। वो अधिकतम वर्ड यूज होता है हमारे यहाँ जुर्माने का, जब भी यूज होता है चाहे वो किसी भी बात का हो, एक मिनिमम यूज होता है और एक अधिकतम। जहाँ मिनिमम लिखा होता है वहां उससे कम जुर्माना न्यायालय नहीं कर सकता, जहाँ अधिकतम लिखा है वहां अधिकतम नहीं कर सकता। तो मिनिमम और अधिकतम के मध्य एक न्यायिक अधिकारी का अपना विवेक होता है, वो पर्सन टू पर्सन मामले के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, कानून के हिसाब से सबको मद्देनजर रखते हुए वो उसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान करते हैं। मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये संशोधन होने से पहले भी जैसे कोई चालान कटता था तो उसमें हमारे पास भी लोग आते थे कि इसमें तो सर 10,000 रुपए लिखे हुए हैं हम कैसे देंगे, इसमें तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपए लिखी हुई है हम कैसे देंगे। तो मैं अधिवक्ता समाज से जुड़ा होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले तो कोशिश करें कि मोटर व्हीकल एक्ट के किसी कानून का उल्लंघन ना हो, आपको न्यायालय आना ही ना पड़े, क्योंकि न्यायालयों पे पहले ही इतना बोझ है कि मुकदमों का निस्तारण नहीं हो रहा है, अगर ये पेनल्टी बढ़ने से और बोझ बढ़ेगा, ज्यादा मामले न्यायालय में आएंगे। तो मेरा पहला तो जनता से ही निवेदन है कि कानून का स्वयं में पालन करें, उनको माने। दूसरा, अगर कभी गलती से हो भी जाए तो उसको अपने पक्ष को आप न्यायालय में रखें। एक चीज और मैं कारण कहना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता कि भ्रष्टाचार बहुत है। जैसे हमारे बहन उमा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार, अब क्या है काला जी, पैसे बढ़ने से, पेनल्टी बढ़ने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जहां हम काला जी ऐसे समाज में, ऐसे देश में हम रह रहे हैं कि जहां चालान से बचने के लिए 200 और 300 रुपए के हेलमेट खरीदे जाते हैं, काला जी ISI हेलमेट नहीं खरीदा जाता। तो कानून में ये प्रावधान और इसको लागू किया जाए कि जो ये दुकान पे या सड़क किनारे ये जो सिर्फ चालान बचाने वाले हेलमेट बिक रहे हैं 100 रुपए 200 रुपए, जो चालान को बचाते हैं लेकिन जान नहीं बचाते, जबकि हेलमेट जान बचाने के लिए ना कि चालान बचाने के लिए। एक बात कर, दूसरी बात जो रेड लाइट जंप की बात करी, और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा था कि कैसे पता चलेगा कि दूसरी बात, मैं इस पे आ रहा हूं दादाजी, ये ऐसे पता चल सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने इसके लिए कुछ तैयारी की होगी। जब अकाउंट आधार से लिंक हो सकते हैं और बहुत चीजें आधार से लिंक हो सकती हैं, अगर सरकार ने ऐसा नहीं करा तो मेरा सुझाव है, जैसे बिना हेलमेट का है या शराब पीकर वाहन चलाने का है, तो सबसे बड़ी बात कि जो भी वाहन चला रहा होगा उसकी पॉकेट में उसका DL होना मस्ट है। अगर उसका DL है तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा सरकार बनाए कि ड्राइविंग लाइसेंस से उसको लिंक करे, और जब दूसरी बार वो पकड़ा जाए और उसका DL नंबर डाला जाए तो ये पता चल जाए कि इसके पूर्व में किन किन धाराओं में कौन कौन से चालान कटे हुए, तो वो सारा ब्यौरा, वो सारा डेटा खुल करके आ जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनको आदत है कि बिना हेलमेट पहने ही वाहन चलाना है, इनको आदत है कि इन्हें शराब के नशे में ही वाहन चलाना है, इनको आदत है कि रेड लाइट जंप करनी करनी है, तो ये सब चीजें उससे हो सकती है। बिल्कुल विपिन गुप्ता जी, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है, क्योंकि देखिए अगर हम सरकार की बात करते हैं और हम बात करते हैं ISI हेलमेट की, क्योंकि एक बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट आपने बताया कि हमें फॉर्मेलिटी से बचने के लिए हेलमेट नहीं पहनना है, हमें अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना है। अगर अच्छी कंपनी का हेलमेट होगा तो गिरने के बावजूद भी कम से कम हमारे शरीर को काफी हद तक बचा सकता है। उमा जी, एक चीज की प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि सीट बेल्ट ना पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब उसके लिए स्पीड भी निर्धारित है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है अधिकतर कई बार बुजुर्ग दंपति जो होते हैं 20 से 25
किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, कई बार गली मोहल्ले में वो होते हैं, बहुत पास जाना है क्योंकि टू व्हीलर उनके बस का नहीं होता, या मौसम खराब है, सर्दी है, रात है, बरसात है, तो 15 से 20 की स्पीड में कार चलाते हैं। क्या उस कंडीशन में भी कुछ ऐसा डिस्क्राइब सरकार ने किया हुआ कि इतनी अधिक स्पीड से ऊपर आप सीट बेल्ट पहनेंगे, या सीट बेल्ट बिल्कुल नहीं पहनी तो आप पे जुर्माना लगेगा? आपकी प्रतिक्रिया में काला जी, इसमें तो मैं अगर अपने हिंदुस्तानी जो हमारे शहर है उनकी ट्रैफिक की स्पीड की बात करूं तो आप खुद देहरादून में देख लीजिए, आप कार मुश्किल से 15 या 20 या 25 की स्पीड से ऊपर कभी चला ही नहीं पाते हैं। हमारे कार, हमारे स्कूटर हमेशा ही ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो मुझे ये कानून ही बड़ा हास्यास्पद कई बार महसूस होता है। जैसा कि मेरे भाई गोयल जी ने अभी बोला कि जब हम विकास नगर जा रहे हैं या हरिद्वार जा रहे हैं जहाँ पर वाकई में हमें स्पीड बेल्ट की जरूरत है, जहाँ पर वाकई में हमें हेलमेट की जरूरत है, वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं है। अब घंटा घर या चक्रोता रोड पे जहाँ इतने भयंकर ट्रैफिक में आप 5 की स्पीड से 10 की स्पीड से कार निकाल रहे हैं, वहां आप क्या स्पीड बेल्ट लगाएंगे? आप क्या, मतलब बड़ा हास्यास्पद ये स्थिति है कि आप 20 की स्पीड में आप कोशिश कर रहे हैं कि एक वृद्ध दंपति स्पीड बेल्ट लगाकर चले, और वहां पे क्योंकि पुलिस वाले खड़े रहते हैं इसलिए उनके लिए बड़ा आसान है उनको बुक करना और उनके ऊपर चालान लगाना। लेकिन वहां की आप बात कीजिए जहां पर हमारे हाईवेज है और जहां पर गाड़ियां स्पीड से चलती है, हमने ये कानून जो है ये बंदर की तरह नकल करके विदेशी यूरोप का, अमेरिका का, सिंगापुर का, दुबई का कानून हमने बंदर की तरह नकल करके अपने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो तैयारी कर ली थी। अभी मेरे भाई अधिवक्ता जी ने जो बात बोली है कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, हिंदुस्तानी लड़की, हमारे IITians, हमारे लड़के तो पूरे वर्ल्ड में जाके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। मुझे अगर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सरकार ने सर जो भी किया है पब्लिक की भलाई के लिए किया है, आपका इतना विरोध क्यों? नहीं नहीं, देखिए मैंने हर चीज का विरोध नहीं किया। बच्चों के ऊपर जो कानून लागू हुआ 25,000 का जुर्माना माँ बाप के लिए, मैं तो कहूँ और 1,00,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे हम बिल्कुल रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन कार में सीट बेल्ट लगाना, अगर कोई वृद्ध दंपति जैसे कि आपने बोला उसमें अगर वो थोड़ी दूर के लिए जा रहा है तो बाई चांस उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर जुर्माना नहीं होना चाहिए। उनकी कार की स्पीड तो देखिए वो चला कितनी स्पीड से रहे, खाली ये कि आपको सीट बेल्ट, क्योंकि आपका कानून है कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, एटलीस्ट वो किस इंटेंशन से गाड़ी चला रहे हैं, वो कितने आराम से गाड़ी चला रहे हैं, बाई चांस उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो इसका एक माननीय आधार भी इस पे होना चाहिए। आप कानून लागू कीजिए उन लोगों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर लागू जरूर होना चाहिए जिनकी वजह से दूसरों की जान खतरे में पड़ती है। पुरुषोत्तम भट्ट जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर हम चंडीगढ़ की बात कर ले, हम दिल्ली की बात कर ले, चंडीगढ़ में ड्रिंक एंड ड्राइव में बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, अगर नहीं स्पीडली आपने गाड़ी चलाई तो उस पर स्ट्रिक्ट कानून है, सीट बेल्ट नहीं पहनी, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है, या हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, यहाँ अभी तक इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। माना चौराहों पे तो पुलिस के अधिकारी हैं या ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, लेकिन गली मोहल्लों में और खासकर हम अड़क बाजार की हम बात करें, वहां पे किस तरीके के ऑब्जर्व किया जाएगा या कैसे देखा जाएगा? और खासकर कई बार ऐसा होता है कि कार के अंदर एक परछाई नजर आती है, लेकिन बारीक सीट बेल्ट को कैसे पहचान पाएंगे कि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जिन्होंने पैसा कमाना है वो तो आप सीट बेल्ट पहने चाहे चंडीगढ़ हो चाहे कहीं हो, कानून बहुत बढ़िया है, कानून इसलिए बढ़िया है लेकिन क्या होता है कानून कोई भी चीज स्वेच्छा से हो, ये देश हमारा है, ये देश के कानून हमारे, देश का संविधान हमारा, हम संविधान की कसम खाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है जागरूकता, क्योंकि हम आजाद देश के लोग हैं, हम कोई वैसे लोग नहीं कि हमें हर बात में घर से बाहर जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं कि हमें इतना ज्यादा हमारे पे प्रेशर हो, क्योंकि देखो एक आदत से बड़ी होती है, एक आदत से बड़ी। अगर स्कूल में बच्चों को पहले ही प्रॉपर दिया, जिन देशों में ये कानून है वहां बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो भट्टी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप जब गाड़ी चलाते हैं आप हेलमेट पहनते हैं? देखिए मैं तो पूरा कानून को फॉलो करता हूँ, मैं हेलमेट पहनता हूँ और हम लोग तो लोगों को भी जागरूक करते हैं, क्योंकि हेलमेट हम कहते हैं कानून के लिए नहीं पहन रहे, हेलमेट हम अपनी सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं। अगर मानिए क्योंकि हम तो इसलिए भी सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं, अभी बरसात हो रही है आपको पता ही चलता सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है, कुछ पता ही नहीं इस देश में, तो आदमी क्या है कि अभी देखा होगा आपने रिस्पना में सड़कें बिल्कुल पानी से लबालब हो रही थी रिस्पना के पुल पर, तो गाड़ी वाले को पता नहीं चला कि मैं नाली के ऊपर चला रहा हूँ, तो उनके लिए भी कानून बनना चाहिए, PWD डिपार्टमेंट के लिए कानून होना चाहिए, मंत्रियों के लिए कानून, कानून सबके लिए होना चाहिए और कानून का पालन सबको करना चाहिए। जैसे धार्मिक जिन धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उस दिन आपने देखा होगा ये जो अभी अभी तो कानून का धज्जिया तो तब उड़ेगी जब राष्ट्रीय पार्टियों की रैलियां निकलेंगी, उस दिन देखता हूँ कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उस दिन मैं देखूंगा IIT हिंदुस्तान कैसे उस
खबर को प्रखरता से उठाता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष ये झंडा लहराते हुए जाएंगे और ये पीछे कितनी चाचा लोग बैठा हुए राष्ट्रीय पार्टी के लोग, तब मैं देखूंगा कहते हैं पत्रकारिता और वो जो आप लोग कितनी प्रखरता से कहते हैं विरोध करते हैं, मतलब कानून का पालन न करने वालों का ये लोग जो वीआईपी कल्चर के लोग हैं, पहले इन पे कानून लागू होना चाहिए। विपिन गुप्ता जी, जिस तरीके से भी अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट जी ने कहा है कि देखते हैं हम कानून कितना इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए कानून अपना काम करता है, अपने तरीके से करता है, अपने सिस्टमाइज अपना होमवर्क को करके करता है। अगर हम बात करते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने जाने जाने में पी ली, ऑकेशनली ड्रिंक कर ली, तो उसमें कोई और ऑप्शन भी है या सीधा उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, या उसके लिए कोई और मे भी हो सकता है, कोई अधिकारी हो, मे भी हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लाइज हो, क्योंकि एक सिस्टम है जो मुझे जहां तक जानकारी की, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी 24 घंटे से अधिक जेल में रहता है तो शायद उसकी नौकरी के ऊपर खतरा आता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, माना कोई सरकारी अधिकारी ड्रिंक के केस में पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है या होना चाहिए आपकी प्रतिक्रिया? देखिए काला जी, प्रावधान सबके लिए एक ही है, क्योंकि जब कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा होता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस पद पर हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं या नहीं हैं। अपराध अपराध होता है, वो चाहे किसी के भी द्वारा किया गया। और मैं काला जी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि बाकी सब कानून एक तरफ है, शराब पीकर वाहन चलाना वो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। कारण ये कि वो अपराध हम खुद जानते बूझते करते हैं। पहला अपराध तो हम ये करते हैं कि हम आवश्यकता से अधिक शराब पी लेते हैं। दूसरा अपराध तब करते हैं कि ये जानते हुए कि हम इस अवस्था में नहीं है कि हम वाहन चला सकें, हम वाहन चलाते हैं। कारण ये काला जी, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहनी है तो मैं अपनी जान का रिस्क लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं सामने और चार पांच जानों का रिस्क लेकर जा रहा हूँ। इसीलिए आईपीसी की धारा 304A में ये प्रावधान किया है कि अगर ड्रिंक करने के बाद वाहन चलाने से किसी की डेथ हो जाती है तो पहले ये वेलेबल ऑफेंस था, अब इसको नॉन वेलेबल कर दिया गया, इसको गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में संशोधन हो चुका है, एमवी एक्ट में जुर्माना बढ़ चुका है। सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी जिन्होंने फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, आज तक वो लोगों के जहन में याद ताजा है उस केस की। तो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में तो मैं कहता हूँ कि कोई रियायत किसी भी तरह की होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि इसमें तो पहली ही बार में ही उनका लाइसेंस एक सर्टेन पीरियड के लिए सस्पेंड होना चाहिए और बहुत सख्त सजा इसमें होनी चाहिए। उमा जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, विपिन गुप्ता जी, आप सबने आईटीवी हिंदुस्तान को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करते हैं सरकार के 37 संशोधन नियम की, यातायात नियमों की, तो सरकार ने नेचुरली उसके ऊपर होमवर्क किया होगा। अगर हम बात करते हैं सीट बेल्ट ना पहनने पे ₹1000 जुर्माने की, अगर हम बात कर जाते हैं कि किसी ने नियम तोड़ा पहली या दूसरी बार, ₹500 की जगह ₹5,000 या ₹10,000 जुर्माना कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं केंद्र के लिए, कहीं ना कहीं अगर हम राज्य अपने प्रदेश की बात करते हैं, तपोभूमि की बात करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए मेरी निजी राय में बहुत बेहतर है, कम से कम सुधार आएगा और जो लोग जाने अनजाने में अपनी जान और दूसरों की जान गंवा बैठते हैं उनके लिए भला होगा। आईटीवी हिंदुस्तान जरूर कहना चाहेगा कि रात की मुट्ठी में सुबह भी है, शर्त यह है कि पहले जी भरकर अंधेरा तो देख लो। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।